तेरी पलकें जो उठी, तेरी पलकें जो झुकी, थम गई थम गई, धड़कने कुछ मेरी। धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। जादू हाँ हाँ जादू, ओ जादू हाँ हाँ जादू। तेरी पलकें जो उठी, तेरी पलकें जो झुकी, थम गई धड़कने कुछ मेरी। एक तरफ तेरी महकी ये सांसें, एक तरफ महकी महकी हवाएं, एक तरफ शोख आलम है कितना, एक तरफ शोख तेरी अदाएं। आज रंगीन साजो समा है, रंग कितने हैं कैसे बताए। ये रंग भरे कुदरत या तो, धीरे से हुआ दिल बेकाबू, हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। जादू हाँ हाँ जादू, मुस्कुराने लगा देखो सावन, तुम भी हंस दो गजब हो ना जाए। देखते देखते आज तेरा हद से ज्यादा असर हो ना जाए। दिल धड़कने लगा धीरे धीरे, अब ये डर है कि ये खो ना जाए। हम जाए कहाँ तुम हो हर सू, धीरे से हुआ दिल बेकाबू, हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। जादू हाँ हाँ जादू, जादू 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 हाँ हाँ जादू।
हेलो, आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस बच्चे की इनविटेशन को बहुत बहुत सीरियसली लिया और आप लोग यहाँ पे आके मेरा मान रखे। अब मैं चाहूंगा कि जिनके लिए पार्टी रखी गई है उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा। तो दरवाजा खुल रहा है।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म दाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, 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 कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। ओ, लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नील जो बार हंसके ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
आपके ख्वाब हम आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। पल रह सके हम न जिनके बिना, आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। लाया है बहार अपनों का।
देखना मेरी सोनिए चन बलिए मेरी मखणा मेरी सोनिए हर चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे मेरी मखणा मेरी सोनी है मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे हाय सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखणा मेरी सोनी ए चन बलिए चांदनी की हसीन मूरत है सब हसीनों से खूबसूरत है ए जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ तू मेरे प्यार की जरूरत है मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू सब सितारे है महताब है तू तुझसे सारे हसीन शर्माए सब हसीनों से लाजवाब है तू सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे हाँ सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखणा मेरी सोनी ए चन बलिए मेरी मखणा मेरी सोनी ए हर चन बलिए हुस्न से तूने रोशनी कर दी आके मेरे गरीब खाने में तू मेरी सांसों की रवानी है तेरे दम से मेरी जवानी है तेरी जुल्फों के घने साए I'm not afraid to die.
चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे आए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखणा मेरी सोनी ए चन बलिए सारी ये रास्ता जो कवर किए हैं कैसे कवर किए हैं ये बताएं थोड़ा सा। हेलो हेलो मेरे गुरु मेरे दोस्त मेरे छोटे बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप लोगों के बीच में मैं अपने आप को पा रहा हूँ खुशी मना रहा हूँ। आज की शाम जो है हमारे बच्चों के इनाम है हम तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि सभी 25 मनाते हैं 50 मनाते हैं ये 29 क्या होता है तो शायद इन्होंने कुछ सोचा ही होगा कि कल हो ना हो अगर कल हो तो जो आज है वो ना हो इसलिए इसका कोई मुहूर्त नहीं है। दुनिया में दो चीज़ बिना मुहूर्त के होते हैं और वो 100% सफल होते हैं एक दुनिया में आना एक दुनिया से जाना। कि इन्होंने जो भी किया हम तय दिल से उनको दुआ देते हैं हमारे बच्चे के नाम से या किसान है आप लोग इसमें शिरकत किए बहुत अच्छा लगा। मैं ये हमारे यहाँ ढांगनी नहीं है लोग तो कहते हैं यहाँ ढांगनी मैं इनको पुनांगनी कहता हूँ इसलिए इनके बिना हमारा कोई काम नहीं है ये हमारी प्रेरणा है ये हमारी शक्ति है। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और उम्मीद है के आगे भी कट जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक भटका हुआ जवान नौजवान ये सोच रहा था कि मैं शादी के बंधन में बंधू या नहीं इस समाधान के लिए वह कबीरदास के पास गया। कबीरदास उस समय दिन के उजाले में सूत काट रहे हैं। लड़का जो है कबीरदास से पूछ रहा है शादी करूं कि नहीं करूं तो कबीरदास उसको अपने पास बैठाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं लाल तेल लाओ दिन के उजाले में। उनकी पत्नी कोई क्वेश्चन नहीं करती है और लाल तेल लेकर रख देती है। कुछ देर के बाद उनकी पत्नी दो गिलास दूध लेकर आती है। कबीरदास पीते हैं और बोलते हैं अरे क्या स्वाद है जबकि वो लड़का पीता है बोलता है कि महा पागल से भेंट हो गई है ये तो करवा लग रहा है। दरअसल हुआ क्या था शक्कर के बदले नमक उनके पत्नी ने डाल दी। हमारे कहने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का समर्पण पर है और एक दूसरे गलती करें तो दूसरे एक दूसरे उसको क्षमा भी करें। तो लड़का जाने लगा तो कबीरदास वही समझाए समझ में आया शादी क्या होती है दाम्पत्य जीवन क्या होता है। मैं तो नारी जाति चाहे वो माँ के रूप में हो चाहे बहन के रूप में हो चाहे बेटी के रूप में मैं हमेशा सम्मान करता हूँ नारी जाति को नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। हमने नोट इकट्ठे नहीं किए लेकिन दोस्त इकट्ठे किए हैं उसका साक्षात प्रमाण आप लोग हैं। नोटबंदी के दौरान नोट तो बंद हो गए हैं लेकिन हमारे पुराने दोस्त आज भी चल रहे हैं और कल भी चलेंगे हमारा साथ देंगे। लड़की के बारे में यह सोचा जाता है कि लड़की बोझ है लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि हर लड़की के नसीब में बाप होता है और हर बाप के नसीब में लड़की नहीं होती है। इसलिए अपने बच्चों को बचाइए पढ़ाइए आगे बढ़ाइए। हेलो मैं इन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ कि शादी होती है
एक जोड़े की, तो उन लोगों में शर्त लगती है, शर्त लगती है कि आज के दिन चाहे आपके तरफ से चाहे हमारा तरफ से कोई भी आएगा दरवाजा नहीं खोलेंगे। और उसके ठीक बाद लड़का पक्ष के तरफ से उसके माता पिता आते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लड़का देखता है खिड़की से, शर्त याद आ जाता है लेकिन वो नहीं खुलता। कुछ ही देर के बाद लड़की के माता पिता आते हैं, लड़की देखती है खिड़की से, उसे बर्दाश्त नहीं होता है और दरवाजा खोल देता है। उसका पति उसको कुछ नहीं बोलता है, उसका पति उसको कुछ नहीं बोलता है। कालांतर में उनके दो पुत्र और एक पुत्री होती है। वो आदमी जो है लड़के के जन्मदिन पर कोई बड़ा धूमधाम प्रोग्राम नहीं करता है और लड़की के जन्मदिन पर पूरे का पूरे लोगों का आमंत्रित करता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि आपने दो लड़के के जन्मदिन पर कुछ नहीं किया, इस लड़की के जन्मदिन पर इतना कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये वही है जो एक दिन हमारे लिए दरवाजा खोलेगी, ये वही है लड़की जो हमारे लिए एक दिन दरवाजा खोलेगी, इसलिए मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनके लिए जो सत्य बोलना चाहता हूँ, ये माउंटेन कैन फ्लाई, ये माउंटेन कैन फ्लाई, ये सी कैन ड्राई, यू कैन फॉरगेट मी बट हाउ कैन आई। अपने एक छोटा सा घर की खुशियों के लिए, अपने मम्मी पापा की खुशियों के लिए, आज तक मैं जहाँ पे भी पहुँचा हूँ इसके पीछे तीन लोगों का हाथ है। एक तो मेरे मम्मी पापा का, दूसरा मेरे गुरुजनों का और तीसरा मेरे साथ वालों का। तो मैं एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हूँ, छोटा सा है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे गुरु अमरेश शर्मा सर स्टेज पे आए, प्लीज सर। अनायतुल्ला सर को बुलाना चाहूँगा और मैं अपने फादर को बुलाना चाहूंगा।
जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। क्या कहना
फुल कर गई चूर। देख तेरा रंग सांवला हुआ बाबा लाल की नैया।